फरवरी का माह प्रदेश में मदिरा कारोबार से जुड़े लोगों के लिए उत्साह का महीना रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे इस रौनक और उत्साह वाले मौसम को गुजरे एक अरसा हो गया है, जिन मदिरा दुकानों को लॉटरी में खरीदने के लिए लाखों आवेदन आते थे, अब आबकारी विभाग खरीददारों के पीछे अनुनय विनय कर रहे हैं लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। क्या आबकारी विभाग की नीति में खोट है या फिर मदिरा कारोबार से हो गया है लोगों का मोह भंग? देखिए जी मीडिया की ये खास रिपोर्ट। वित्त विभाग की ओर से 1 फरवरी को प्रदेश में आबकारी एवं मद संयम नीति जारी कर दी गई थी। आबकारी विभाग ने नीति में इस बार नए सिरे से दुकानों की लॉटरी या फिर ऑक्शन करवाने की बजाय मौजूदा कारोबारियों को ही मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प दिया है। मदिरा कारोबारियों के लिहाज से देखें तो मात्र 10% बढ़ोतरी के साथ ही नवीनीकरण का विकल्प दिया गया है। ऐसे में सौदा बुरा नहीं माना जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद 15 फरवरी को अंतिम तिथि तक महज 1/3 मदिरा दुकान संचालकों ने ही नवीनीकरण करवाया। आबकारी विभाग ने 78.13% दुकानें नवीनीकरण योग्य मानी थी, लेकिन मात्र 1/3 दुकानों का नवीनीकरण होने से आबकारी नीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद विभाग ने डेट बढ़ाई और नवीनीकरण के लिए 23 फरवरी तक का समय दिया गया, लेकिन रोचक बात यह है कि 8 दिन में मात्र 3.5% ही नवीनीकरण बढ़ सका है। हालांकि राजस्व के लिहाज से बात करें तो आबकारी विभाग को अब तक करीब 1403 करोड़ रुपए की आय हुई है। इनमें एप्लीकेशन फीस से 168 करोड़ रुपए, सिक्योरिटी राशि जमा होने से 418 करोड़, तो वहीं एडवांस गारंटी राशि जमा होने से 239 करोड़ और वार्षिक लाइसेंस फीस के पेटे से 577 करोड़ का राजस्व मिला है। क्या है आबकारी नीति 2024-25 का गणित? प्रदेश में कुल शराब दुकानों की संख्या है 7,665। विभाग ने नवीनीकरण के लिए 5,989 योग्य दुकानें मानी थी, तो वहीं 1,674 दुकानें नवीनीकरण की योग्य ही नहीं थी। मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 फरवरी थी। 15 फरवरी तक महज 2,585 दुकानों का नवीनीकरण हो सका, यानी प्रदेश के कुल दुकानों में से मात्र 33.72% का नवीनीकरण। विभाग ने फिर 23 फरवरी तक के लिए नवीनीकरण की अवधि बढ़ाई। 23 फरवरी तक नवीनीकृत दुकानों की संख्या हुई 2,844। 23 फरवरी तक केवल 37.10% दुकानों का नवीनीकरण हुआ, तो वहीं 8 दिन में मात्र 3.38%, यानी मात्र 259 नई दुकानें रिन्यू हुई। हालांकि नवीनीकरण की इस पॉलिसी में आबकारी विभाग 1400 करोड़ का राजस्व जुटाकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी 4,821 मदिरा दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। इसके लिए अब आबकारी विभाग 27 या 29 फरवरी को 2 दिन की ऑनलाइन नीलामी आयोजित करेगा। जिलेवार विश्लेषण करें तो ज्यादातर बड़े जिले अभी तक मदिरा दुकानों के नवीनीकरण में फिसड्डी साबित हो रही हैं। जयपुर शहर की 358 में से 172 दुकानें नवीनीकृत हुई हैं, जबकि जयपुर ग्रामीण की 240 में से 109 दुकानों का ही नवीनीकरण हो सका। कौन सा जिला आगे और कौन सा जिला पीछे? डूंगरपुर जिला पहले नंबर पर, 50 में से 45 दुकानें रिन्यू हुई। बांसवाड़ा दूसरे नंबर पर, यहां 48 में से 33 दुकानें नवीनीकरण हो चुकी हैं। जालौर तीसरे नंबर पर, 144 में से 93 दुकानों का नवीनीकरण हुआ, तो वहीं टोंक चौथे नंबर पर, 157 में से 77 दुकानें रिन्यू हुई। बीकानेर पांचवें नंबर पर, 226 दुकानों में से 109 का नवीनीकरण हुआ, तो वहीं झालावाड़ सबसे पीछे 35वें नंबर पर, यहां पर 160 में से मात्र 31 दुकानें रिन्यू हुई। तो वहीं पाली 34वें नंबर पर, जहां पर 220 में से मात्र 56 दुकानें रिन्यू हो पाई। झुंझुनू 33वें नंबर पर, यहां पर 285 में से 83 दुकानों का नवीनीकरण हुआ।
सिरोही 32वें पर 177 में से 52 शराब दुकानों का नवीनीकरण हुआ, तो वही 12 31वें नंबर पर 169 में से 52 दुकानें रिन्यू हो सकी। पिछले 3 साल से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है जब मदिरा दुकानों को खरीदने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे, और इस बार स्थिति और भी खराब मानी जा रही है। फील्ड के जो अफसर हैं उनका कहना है कि उनकी ओर से जो सुझाव दिए गए नीति में उन सुझावों को लागू नहीं किया गया, और इसी वजह से शायद आबकारी विभाग को इस बार नवीनीकरण में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।